नाला सुबारा रहमत नगर शिव शक्ति चाल में बिल्डिंग वासी दबंगों द्वारा एक किरायेदार को परेशान किए जाने की खबर मिलने पर चाल में रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार के साथ दबंगों द्वारा की गई मुंहजोरी। देखिए इस पूरे वीडियो में, पहले सुने दबंगों की नौटंकी, फिर उसके बाद परेशान व्यक्ति की कहानी और अंत में इन दबंग बिल्डिंग वासियों के मामले पर दी गई सफाई। को परेशानी हो रही तो वो दिखाना, तो दूसरे का पक्ष भी दिखाना, तो दूसरे का पक्ष आपका, मैं पक्ष लेने के लिए तैयार हूँ। आप दो तो नहीं, तो जो देखिए पक्ष दिखलाना क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। सबके साथ कंट्रीब्यूशन हुआ। बीएमसी ने नोटिस दिया था, पहले सुन लीजिए मेरी पूरी बात ना। बीएमसी नोटिस दे गया, बिल्डिंग रिपेयरिंग करो। हम लोगों ने रिपेयरिंग कराना चालू किया, कंट्रीब्यूशन सबके साथ हुआ कि भाई पर रूम से इतना पैसा देना। ठीक, ये है बढ़ोतरी, इनसे कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग नहीं कराएंगे, तकलीफ नहीं है। चौबीस परसेंट तीन बजे वाली बात है। देखिए फंडामेंटल राइट होता ना, वो एक अपनी जगह, किसी का पानी बंद नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कहाँ से कब बोलता है? गवर्नमेंट का ये पानी घुसने लाए ना, तो बहुत चीजें, बहुत सी चीजें लीगल है, नहीं लीगल है, वो बहुत सी चीजें, घुस बहुत सी चीजों पे। मेरा काम ये है कि उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है, उनका मैंने पक्ष लिया, उनका पक्ष मैं दिखाऊंगा। इस तरह से अगर आपको अपने पक्ष में, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं नाला सुपारा रहमत नगर में। यहाँ ये शिव शक्ति चाल आप देख सकते हो, कुछ रिपेयरिंग का काम शुरू है। ये सोसाइटी है, कई सालों से ये बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग फिलहाल जर्जर हालत में हो चुकी है, उसका रिपेयरिंग काम शुरू है। बिल्डिंग का काम हो रहा है, वो एक अलग अपनी जगह पे है, और उस चीज़ों को लेकर इसमें कुछ चीज़ें सामने आई है। तो हम यहाँ आए हैं, किसी को कुछ परेशानी है वो दिखाने। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं आम आदमी को परेशानी न हो उसके लिए। हमारे देश में कई तरह के नियम है, कानून है, कायदे हैं। उसी कायदे में एक कायदा है सोसाइटी अधिनियम। सोसाइटी अधिनियम इसलिए बनाया गया कि पहले के ज़माने में चाहे किराएदार हो चाहे घर मालिक हो, उनको बिल्डरों द्वारा काफ़ी परेशान किया जाता था। तब सरकार ने सोसाइटी अधिनियम बनाया ताकि बिल्डर बिल्डिंग बना के सोसाइटी को हैंडओवर कर दे और उसके बाद में सोसाइटी जो है उसको चलाए, ताकि सोसाइटी सब मिले हुए रहें और किसी को दिक्कत ना आए। लेकिन विडंबना यह है कि जब कोई इंसान किसी पद पर बैठता है तो उस पद पर बैठने के बाद में वो अपने आप को सुपर पावर समझने लगता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। यहाँ जो हमको बताया गया है कि जो बिल्डिंग के पदाधिकारी है, अपने आप को सर्वोपरि रखकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही एक परेशान शिकार यहाँ हमारे साथ मौजूद है, संजय मौर्य जी। हम इनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और सुनते हैं कि क्या उनकी परेशानी है। मौर्य जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मौर्य जी, क्या परेशानी है बताइए। और क्या परेशानी? ये है कि बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम चालू किया गया है, जिसको लेकर जितने भी टेनेंट्स हैं उनसे 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 15,000 रुपये अमाउंट रखा गया है, जिसमें से पर मंथ 5,000 रुपये के हिसाब से उसको पे करना है। तो इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, जिनके काम धंधे नहीं रहे हैं, काम छूट गए हैं, जो कैपेबल नहीं हैं। ऐसे ये शिव शक्ति अपार्टमेंट रूम नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर में मेरा भी रूम है और जिसमें मैं भाड़े से रहता हूँ पिछले कई सालों से। मुझे परेशानी ये है कि ये इंस्टॉलमेंट की जो बिल्डिंग रिपेयरिंग के पैसे के मामले को लेकर ये बार बार मेरा पानी बंद किया जा रहा है, जो कि रूल्स रेगुलेशंस में भी नहीं है और ये फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरह से वायलेशन है।
बिल्डिंग रिपेयर का पैसा आपका बाकी है कि मेंटेनेंस, क्या ये चीज बताइए? नहीं, हमारा किसी भी प्रकार का कोई पैसा बाकी नहीं है। मेंटेनेंस का और पानी का जो भी चार्ज जाता है वो हमारा टाइम टू टाइम कंप्लीट है और अभी भी उनका एक रुपया कुछ भी बाकी नहीं है। बिल्डिंग जो फंड आप बता रहे हो, जो रिपेयरिंग फंड, उसको देने में क्या दिक्कत है, क्या क्या वजह है कि आपका पानी बंद किया जा रहा है? वजह ये है कि उनका सोसाइटी सेक्रेटरी राकेश का कहना है कि जब तक आप ये रिपेयरिंग का जो चार्जेस है, जब तक आप ये पैसा नहीं दे देते हैं, तब तक आपका पानी, आपको पानी नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप तो आपने बताया कि आप भाड़े पे हो और रिपेयरिंग चार्जेस जो लगता है वो ओनर का लगता है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका, आपका क्यों पानी बंद किया जा रहा है? हमारा पानी इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि जो हमारे घर मालिक हैं उन्होंने बोला हुआ था कि जो भाड़ा आप हमको देते हो तो वो एडजस्टमेंट करके पैसे उनको दे देना। तो क्या आप देने के लिए मना किया है? नहीं, हमने बिल्कुल मना नहीं किया है, हमने उनको टाइम भी दिया था देने के लिए, हमारी उनकी बात भी हुई, मीटिंग। तो मेरा सवाल ये था कि आपको जो रिपेयरिंग फंड है वो पैसा देने को दिक्कत क्या है, आपको पैसा नहीं दे रहे? नहीं, दिक्कत हमारी कुछ नहीं है, दिक्कत यही है कि मार्केट का पैसा है, हमारी कोई फिक्स जॉब या नौकरी नहीं है और मैंने एक तारीख के लिए बोला हुआ था कि एक तारीख से मैं आपको पैसे देना चालू करता हूँ। एक तारीख को संडे था इसलिए मैं ऑफिस में नहीं गया और आज मैं मंडे को जाने वाला था लेकिन वो हमारे टाइम पीरियड के पहले ही फिर वापस मना के आ गया। बार बार आपका पानी कट रहा है? हाँ। अच्छा, इस बारे में जैसे हम आपसे चर्चा कर रहे थे, आपने बताया था आपने कुछ कंप्लेन भी किया है, बताइए क्या कंप्लेन किया है? हाँ, तो फिर इस मामले को सुबह मुझे मजबूर होकर फिर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना पड़ा। दिखाइए अपनी कंप्लेन। हाँ, ये वही कंप्लेन है? हाँ, आज की कंप्लेन। हाँ। शिव शक्ति वेलफेयर सोसाइटी का कैशियर वसीम कुरैशी। आपका क्या कहना है संजय मौर्या जी को जो परेशानी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जबकि सोसाइटी ने एक डिसीजन लिया हुआ है सबके साथ, 72 रूम्स और शॉप मिला के 72 रूम बिल्डिंग में है, सबके साथ ये डिसीजन हुआ है कि इतना इतना पेमेंट देने का है, 3 महीने के अंदर देने का है, सबकी किस्त बांध दी गई ताकि लॉकडाउन के चलते सबको परेशानी है, किसी को परेशानी ना हो, इसीलिए इसके लिए किस्तों में हम लोगों ने किया है कि 5,000 रुपया महीना दिया जाए। ये महीना ख़त्म हो के आज 1 तारीख हो गई, पिछले महीने में सबका पेमेंट आ गया, ये जो शिकायत करता है आपके मौर्या जी, इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, ठीक। उसके बावजूद ये पुलिस चौकी गए, पुलिस चौकी से फ़ोन करवाया, तो ये गलत चीज़ है, इन्होंने वादा किए थे 1 तारीख को दूंगा, 1 तारीख भी गुजर गई, हम लोगों ने नहीं बोला, आज 2 तारीख है, 1 तारीख गुजर गई। हाँ, लेकिन 1 तारीख पूरी नहीं गुजरी थी, इसके पहले ही आपने पानी बंद? नहीं नहीं, पानी बंद नहीं हुआ, इनको नहीं, क्या झूठ बोलते हो भाई, इनको, अरे एक मिनट, इनको इनको बीच में भी बंद किया गया था, 25 तारीख को पानी, फिर ये जाके बात किए सोसाइटी में तो 1 तारीख तक का समय दिए, 1 तारीख को भी नहीं दिया इन्होंने पेमेंट, तो हम लोग यही एक जरिया बना है कि पानी बंद करेंगे तो ही पेमेंट देंगे, नहीं तो ये छोड़ दे रूम मालिक से कहते भाई मेरे से मतलब नहीं है, मैं क्यों पैसा दूं, मैं तो भाड़ा दे रहा हूँ, मेरे को पानी दो, बात खत्म। लेकिन ना ये रूम मालिक से खुद जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिए कि नहीं मैं दूंगा पैसा, तो अभी तो इनकी बनती है पारी ने कि ये पैसा दें, तो सोसाइटी के जो फेवर में चीजें रहेंगी उसी पे सोसाइटी रोक लगा सकता है, सोसाइटी पानी खरीद के लाती है, इसके लिए सोसाइटी पानी बंद करने का सबको पहले से नोटिस दे चुकी है, ये नहीं कि बिना नोटिस के पानी बंद किया गया, सबको पहले से बोला गया है कि अगर से आप किस्त नहीं देंगे 5,000 रुपये महीने की तो आपका आपका पानी बंद कर दिया जाएगा, ये वजह है वो, ठीक। और कुछ आपको तो मैं बता सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको भी बता रहा था कि सोसाइटी नियम में कहीं ना कहीं थोड़ी हमें लचीलापन लाना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर हालात आज के समय में जो लॉकडाउन का पीरियड है और जिस तरह से हालात है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी पदाधिकारियों को इस चीज़ की कुछ का ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नाला थुपारा से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।